हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, आर यू रेडी, तो किस टॉपिक पे होगी इस वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। एक मोटिवेशनल स्पीच है, समझिए कि क्या आप रेडी हो। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अपने अपने स्टडीज में बिजी है, क्लास वर्क, होमवर्क, लेसन्स रीडिंग, लेसन्स राइटिंग और लेसन्स अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, इन सभी में बिजी है। एक चीज शायद आप भूल रहे हो गए कि रिविजन किस तरह किया जाए, आंसर्स किस तरह याद किया जाए, यही टॉपिक पे ये आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। जैसे हम सभी जानते हैं कि FA1 हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं और FA1 महज एक चैप्टर दो चैप्टर में से शायद होते हैं, जस्ट 20 मार्क्स का पेपर आपको बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपको उसके अंदर से दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और उसके आंसर्स लिखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम FA1 में अगर पढ़ लिए तो शायद हमारा SA1 बहुत अच्छा जाएगा। देखिए बहुत सारा डिफरेंस है FA1 SA1 को, बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि SA1 में सिलेबस बहुत ज्यादा होगा, FA1 में आपके टीचर पे निर्भर करता है कि क्या लेसन देंगे, कितना आपको सिलेबस देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि एक महीना हमारे पास और बचा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर के महीने में और लास्ट वीक में 21 से आपके SA1 एग्जाम्स होंगे। तो क्या उसके लिए क्या आप रेडी हो, ये वीडियो इसीलिए है, क्योंकि रेडी का मतलब ये नहीं है कि हम तैयार है, कभी भी एग्जाम्स लिखेंगे लिया जाएगा हम आसानी से लिखेंगे, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। रेडी का मतलब क्या आप प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हो, क्या प्रिपेयर्ड हो एग्जाम्स के लिए, इस टॉपिक पे ये वीडियो है। देखिए हो सकता है अभी तक आपने नहीं किया होगा, हो सकता है किसी के स्कूल में दो लेसन, तीन लेसन, चार लेसन हो, किसी के लेसन में, किसी के स्कूल में वन लेसन हो। प्रिपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा शुरुआत से, जितना आप प्रिपेयर रहोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उतना आप एग्जाम्स के पास जाएंगे, उतना आप अपने एग्जाम्स के लिए रेडी रहेंगे। विदाउट प्रिपरेशन कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, सिवाय डाउटफुल के, सिवाय डिमोटिवेशन के, सिवाय दूसरों पे भरोसे के, कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। टीचर लेसन एक्सप्लेन करेंगे, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। प्रिपरेशन करना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स ने लिखा दिया है आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो भी आंसर्स होते हैं रेसन से रिलेटेड, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, सारा मटेरियल दे दिए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस मटेरियल को फॉलो करें, क्योंकि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम कोई भी नहीं जानते। CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन का मतलब भी यही है कि क्वेश्चंस कहां से पूछा जाएगा कोई भी नहीं जानते। इसके लिए लेसन को अच्छी तरह प्रिपेयर करना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। जब तक आपको लेसन अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने में नाकामयाब होगे। इसलिए क्लास में जब आपके टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छी तरह समझना है। मैथमेटिक्स भी जब आपके टीचर या सर समझाते हैं तो अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। बोर्ड पे से जब कॉपी करते हैं तो बिना देखे करने की कोशिश करना, एक बार वहीं पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सोशल है, साइंस है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट आपको, सिर्फ एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है तो ठीक है हम आसानी से पढ़ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा आपके पास नहीं है। 7 सब्जेक्ट आपके पास मौजूद है, 7 सब्जेक्ट को कैसा टाइम देंगे, किस तरह टाइम आप देंगे, 7 सब्जेक्ट को किस तरह आप डिसाइड करेंगे कि हमको ये याद करना है, ये टॉपिक्स हम पेंडिंग है, ये टॉपिक्स याद किए हैं, ये टॉपिक्स में हम कच्चे पके मतलब कमजोर हैं। कब आप इस पे एनालाइज करोगे, जब तक आप अपने आप को एनालाइज करके जो हार्ड वर्क है उस पे, या जो हार्ड आंसर्स लग रहे हैं उस पे, जो हार्ड टॉपिक्स है उस पे अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे त,
तब तक आपको एक टेंशन सा आपके माइंड में रहेगा, एक बोझ सा रहेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम्स में रिपीट होगा या नहीं होगा, ये सारे चीज़ें रहेंगे। इसीलिए क्या आप रेडी है इन सारे चीज़ों के लिए? S7 बिल्कुल करीब है, S7 के लिए 70% सिलेबस रहेगा, 30% का अगर निकाल भी देंगे आप, 80% आपको मार्क्स का लिखना है, 70% सिलेबस में से आप आराम से 60% सब्जेक्ट सिलेबस माने 60% मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम में कवर कर सकते हो, अगर ये 70% ईमानदारी से अच्छी तरह आप पढ़ लेंगे तो इसलिए अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी स्टार्ट कीजिए, अभी रेडी हुई, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटजी अपनी बनाइए। जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको घर को आना है, उस पर मेहनत करना है, उसको पढ़ना है, उसके टॉपिक्स आपको लिख लेना है, उसके पॉइंट्स लिखना है, उसके आंसर्स बनाना है, आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है, ये सब आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आप करेंगे तो आप 100% डेडिकेशन के साथ अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहेंगे, तैयार भी रहेंगे। ऐसा आपको अपने आप को तैयार करना है कि कभी भी हमको एग्जाम ले लें तो किसी भी लेसन से ले लें तो हम आसानी से लिख पाते हैं, ये स्ट्रेटजी आपकी होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ इंपॉर्टेंट मटीरियल, मैथमेटिक्स और तेलुगु लगातार अपलोड कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट भी मैं तुरंत ही स्टार्ट करूंगा। S7 के लिए मैं भी स्ट्रैटेजी बनाकर आपको दूंगा, मैं भी मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा, S7 के लिए मटेरियल अपलोड करूंगा। अपलोड करना आसान है, उसको फॉलो करना, उसको समझना, उसको पढ़ना आपके लिए मुश्किल है। जस्ट वीडियो देखिए, अच्छा लगा, टाइम पास कर दिए, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैंने वीडियो कोई अपलोड किया है तो रिसर्च करना है कि हाँ इसके अंदर से कुछ नया टॉपिक मिल रहा है, क्या नया क्वेश्चन हमको मिल रहा है, क्या हम इसके अंदर से पढ़ सकते हैं, क्या हमसे छूट रहा है, ये अगर आप सोच कर आप देखोगे वीडियो में, उस पर वर्कआउट करोगे तो आप एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन अपना कर पाओगे, जो आप अपना GPA चाहते हैं वो GPA आप ला सकोगे। स्टडी कुछ भी नहीं है, प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, हम पढ़ रहे भी नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे, फिर सोच रहे हैं हमको अच्छे मार्क्स आना चाहिए, हमको GPA नहीं बढ़ रहा है, हमारे सामने वाला स्टूडेंट, हमारी क्लास का स्टूडेंट वो टॉप कर रहा है, हम टॉप नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं, सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है मेहनत 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 मेहनत। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ईमानदारी के साथ डेडिकेशन के साथ, तब तक कोई चीज़ आपको बदलने वाले नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे और अपने स्टडीज़ को जारी रखोगे, जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करोगे और जो भी आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा टीचर से डिस्कशन करके समझोगे या आपकी क्लास के क्लेवर स्टूडेंट के साथ समझोगे, ये सारी चीज़ें आपको करना है। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट, बस इतना ही कह सकता हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं।